हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, जिसका टाइटल है आई प्रैंक फुकरा इंसान अप्रैल फुल प्रैंक करके। आज से अप्रैल शुरू हो गया, सभी को पता है, तो अप्रैल फुल बनना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले बनाया गया है फुकरा इंसान को, उसको सभी जानते हैं। मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोग जो है जानते ही होंगे, ऑब्वियस है, बिग बॉस में उनको देख रखा होगा आपने। तो उनके भाई ने उन पर आज अप्रैल फुल का एक प्रैंक किया हुआ है, तो देख लेते हैं वीडियो। और प्रैंक तो भाई अच्छा ही होगा। लेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके चैन, हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे काहे रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। ये स्टार गैराज है, मैं गैराज का ओनर बाबूरा आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेरा फेरी, अ लेजेंडरी मूवी जिसका ये आइकॉनिक सीन देखते देखते मुझे एक आइडिया चमका। आज अप्रैल फूल्स है एंड मेरा मोबाइल प्लान मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग तो देता ही है, तो क्यों ना इस पूरे अप्रैल लोगों को फूल किया जाए प्रैंक्स के नाम पे। एंड आज के इस क्रेजी प्रैंक के लिए हमने बुलाया है यूट्यूब इंडिया के नंबर वन प्रैंकस्टर सुनियो भैया। शहंशाह का दरबार। बस बस भाई, बहुत हमेशा हग दिया। तुम बॉम्बे नहीं आ सकते, बॉम्बे डूब जाएगा। बॉम्बे तो आप जा रहे हो भैया, आजकल बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो। इतने बड़े लोग, सबसे बड़े बहुत बड़े भैया। अंबानी जी से मिल रहे हो, एक काम करो, मुझे गोद ले लो। और एक काम करो, 2,000 करोड़ के छींटे मेरे ऊपर भी फेंक के मार दो। आज के इस प्रैंक में हम करने वाले हैं प्रैंक बिग बॉस OTT सीजन 2। नहीं बोलना था बिग बॉस, नहीं बोलना था, भूल दो बिग बॉस, छोड़ दो बिग बॉस। हम प्रैंक करने वाले हैं मेरे भैया फुकरा इंसान को, क्योंकि व्यूज आते हैं। इतना तो बनता है ना, इतना मिल्क करेगा ये आदमी। भाई है मेरा, एक वीडियो में उसका नाम यूज करना इज नॉट मिल्किंग। ठीक है। तो हम पिछले 1.5 घंटे से सोच रहे थे कि क्या प्रैंक कर सकते हैं उसको, एंड एक आइडिया चमका मेरे दिमाग में। और वो ये है कि हमारे जो फ्लाइंग बीच सर है गौरव तनेजा सर, उनको अभी कुछ महीने पहले नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस की परमिशन लिए बिना एक मीटअप करवा दिया था। एंड अभिषेक कल दुबई से जब वापस आ रहा था, तो उसका एयरपोर्ट पे ऐसा ही कुछ सीन हो गया था, मीटअप हो गया था, बहुत सारे पांडा गैंग वाले आ गए थे उससे फोटो खिंचवाने। तो ऐसा डिस्कशन कर रहे थे हम क्या प्रैंक कर सकते हैं। भैया ने एक बहुत ही गंदा आइडिया दिया था, आप बोलो कि आपकी दो गर्लफ्रेंड है, आप डबल डेट कर रहे हो, कहीं पुलिस वाले भी तो नहीं कर रहे हैं। भैया तुम मेरे को कैरेक्टरलेस बनवा दो। मेरे का बंदे के एक भी नहीं है, ख्याली पुलाव में 2 बना देता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभिषेक को अब हम गुड़गांव पुलिस वाले बन के उनको ये फोन करते हैं कि भाई आप पे ये धारा लग गई है, आईने मेरी वी की नई सिम है, ये नंबर किसी के पास भी नहीं है, मम्मी पापा के पास भी नहीं है, स्पेशल लेके आया हूँ मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए। आर यू रेडी भैया? यस, सुपर रेडी। अच्छा, नाम हमें रखने चाहिए जोरावर, थोड़ा हाँ थोड़ा लगेगा, दम है। और मैं रखता हूँ धर्मपाल, थोड़ा भारी भरकम तो है, ठीक है चलेगा। एक 2 मिस्ड कॉल मार लेते हैं उसको पहले। कट कर देते हैं, मेरी फट गई। मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। भैया मैं हूं ना आपके साथ, लेकिन हेलो जी, अभिषेक मलहन बोल रहे हैं। अब कौन है भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या क्या गंदी एक्टिंग कर रहे हो भैया। अच्छा, इस बार तभी से समझ जाएगा, इसकी तो आवाज पहचानता हूं। हेलो, अभिषेक मलन जी बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहा भाई, मैं गुड़गांव थाने से धर्मपाल SHO बोल रहा था। ये आप कल एयरपोर्ट पे मीटअप कर रहे थे, कुछ ऐसा सुना है हमने। सर, एयरपोर्ट पे कौन मीटअप करता है जी? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ लगा नहीं रहा हूँ। किसने दर्ज कर दी भाई शिकायत आपके खिलाफ? उसको तो कुछ नहीं मतलब। रुको एक सेकंड, अबे धारा कौन सी थी? 144, वही तो बोल रहा हूँ, 144। 144 भाई, टाइम नहीं है इतना। अरे भाई ध्यान से सुन ले, फोन काट दिया। इतना लैग करोगे भाई, पुराने कंप्यूटर की तरह तो काट ही देगा ना। अरे इतना भी सीरियसली लिया उसने? ओ भाई बात सुन, फोन कट करने से पहले सेक्शन 144 धारा सुनी है भाई? तो कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। सुनिए धारा, गुड़गांव सुन ले ध्यान से, गुड़गांव पुलिस स्टेशन से धर्मपाल बोल रहा हूँ, SHO। तेरा नाम क्या है? फुकरे क्या? अबे कौन फुकरे क्या है ये? फुकरे कौन है? कौन टाइम बर्बाद कर रहा है?
भैया सीरियसली नहीं ले रहा आपने, आप उसको बोलो जरा ढंग से रहा, ऐसे बात मत कर, फिर मैं पीछे से आऊंगा, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं खटिया खड़ी करता हूँ। भाई सुन ले, सीनियर सर यहीं पर है, सीनियर सर यहीं पर है, सुन ली ना उन्होंने, दिक्कत हो जाएगी। क्या बात है, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे सर इसको फोन करके समझा रहा हूँ कि इस पे कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो फोन कट कर रहा है, हल्के में ले रहा है। कौन है? अरे फुकर, मैं तो नाम भी ना समझ आ रहा, नाम रखा है फुकरा। अरे जिसका नाम फुकरा है, काम तो फुकरों वाला ही होगा। हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरी, समझ नहीं आ रहा? भाई तुम कौन? अरे तुम करके ना बात कर, आप बोल। मैं एसीपी राघवेंद्र बोल रहा हूँ। बताओ सर। ये क्या दिक्कत है तेरी भाई? तेरे ऊपर धारा 144 सीआरपीसी एक्ट के तहत तेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है। वीना जी है कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी से? कल तूने वहां पे 40-50 लोगों की भीड़ जमा कर ली है? कर ली थी भैया, जो करना कर लो। ओए जब उसको पता चलेगा ना तेरे घर का एड्रेस क्या है, ये राइस का आधार कार्ड। अब करो कॉल यार, ये वीडियो थोड़ा और लंबा होना चाहिए। क्या बदतमीजी हो रही है तेरी, बार बार फोन काटने की। तू बोल रहा है क्या नाम है तेरा? अभिषेक मलान वल्द विनय मलान, ये तेरा आधार कार्ड नंबर है? तेरे पास का थाना पीतमपुरा थाना है, ठीक है? 10 मिनट में घर के नीचे आ रही है, पीसीआर आ रही है, वैन आ रही है, चुपचाप बैठ के यहाँ आ जा गुड़गांव थाने। भाई पुलिस पीतमपुरा से आ रही है थाने, गुड़गांव क्यों भाई? क्योंकि गुड़गांव में रजिस्टर हुआ है ना केस। अरे तू थोड़ा बावला है के? पढ़ा लिखा है नहीं? तेरे पापा को फोन करूं मैं? विनय जी, विनय जी, हाँ इनका भी पूरा डिटेल है हमारे पास। भाई तू हल्के में ले रहा है यार, तेरे को फोन कर रहे हैं कि बात सुलट जाएगी अगर फोन पे, तेरे को अपनी एकड़ी ले यहाँ पे दिखानी है। क्या करता है भाई तू? चौड़ रहा है तू? हैं? नहीं काय के लिए तूने? कहाँ रहा है तू? भीड़ इकट्ठा रुकान है, भीड़ क्यों इकट्ठी की है तूने? क्या करता है तू? भीड़ भैया मैं नहीं इकट्ठी करता, मैं एयरपोर्ट पे दुबई से आ रहा था, वहाँ पर लोग मिलते हैं तो फोटो। नहीं लोग मिलते हैं तो तू ऐसे कैसे मिल लेगा लोगों से? भाई तू है क्या, करता क्या है तू? मैं तो नहीं मिलूंगा तेरे से। भाई सब्सक्राइबर है हमारे। काय का सब्सक्राइबर है भाई तू? अखबार बैठता? अरे सर वो मेरे सब्सक्राइबर है, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पांडा गैंग वाले बंदे थे वो। ये क्या हुआ भाई पांडा पांडा? अरे भाई ये तो वैसे ही गैंगस्टर है, गैंग लेके घूम रहा है। गैंग है तेरा है भाई? हाँ भैया गैंगस्टर है सारे पांडा गैंग वाले। क्या करता है भाई तू यूट्यूब पे हथियार बेच रहा क्या? अरे इस पे 144 के साथ 365 और 362। मैं पूछने लगा था 62 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 362 भी लगाओ। 362 हाँ, 365 362 गूगल कर लिए, सब लगेंगी तेरे पे। भैया एक काम करो, मेरे पे 170 भी लगाओ। ये तेरे को मजाक सूझ रहा है क्या? तू कह रहा है 110 लगा दो धारा, ऐसे क्या हलवा होता है धारा क्या? भैया गाजर का हलवा खाओगे? ये बकवास कर रहा है सर, इसको भेजो पुलिस, भेजो इसके घर। समझ गया होगा इतना तो। आज तेरे घर के नीचे आ रही है वैन, ठीक है, पुलिस की गाड़ी आ रही है पीसीआर। पुलिस की गाड़ी 10 मिनट में आ जाएगी? अरे तेरे घर से कितना दूर है स्टेशन, तू हल्के में ले रहा है? अरे आप गुड़गांव से गुड़गांव गाड़ी भेजो ना। अरे गुड़गांव क्यों भेजेंगे गाड़ी? तेरा पूरा यहाँ एड्रेस, ये आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है यहाँ भेजेंगे ना। भैया एक काम करते हैं ना, मैं आपको 1100 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, दोनों भाई बांट लेना आपस में। सर ये तो रिश्वत की बातें कर रहा है, रिश्वत भी 1100 ही दे रहा है तेरे को, इतने वो लग रहे हैं हम। भाई एसीपी आपका ले लेगा 1000, बाकी जो आप हैं वो तो 100 में मान जाओगे। ओए यूट्यूब वाले नहीं आओ एसीपी में? कौन आ गया? पकड़ा गया। ग्यारह सौ में मानोगे नहीं भैया? अरे नहीं समझे हुआ था यार, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था इसको। नाइस यार, कब पता चला? जब निश्चय ने पहले हेलो बोला। समझ गया था भैया, जब वजाहत भाई ने बोला मैं कंफ्यूज हो गया 10 मिनट के लिए, ये कौन किसके साथ बैठा हुआ है? ये अगर शुरू करते हैं तो एक बार को मैं फिर भी बिलीव कर लेता हेलो। और मैं सोचो बोल रहा हूँ, अबे बैठा हुआ यार ये देख देख देख, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मैंने पहले यूट्यूब खोल के देखा कहीं लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा, प्रैंक करने की सोच रहा है, फिर मैंने कहा चल भाई मजे ले रहा है, करने दो करने दो। कह रहा मिल्क करूंगा अभिषेक के नाम पे व्यू, प्रैंक करूंगा तो अभिषेक का करूंगा। नहीं आता नहीं, पहले तो आपको बुलाया था, मेरे को करने का।
रहा हूँ ना मैं दो घंटे ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर जिन पे हमने प्रैंक किया उन्होंने पकड़ लिया प्रैंक तो वो बन गए हीरो, बधाई हो आप बन गए हीरो। अगर आप नहीं पकड़ पाते तो आप बन जाते बाबू राव। चलो फिर शुरू करते हैं हीरो फेरी। अब ये प्रैंक्स जो है पूरे महीने चलेंगे, अब होपफुली इससे बेटर कर पाऊंगा मैं आगे, यहाँ से लेसन्स सीख लिए हैं थोड़े। बहुत मुश्किल है भाई। यस, अगर आप चाहते हो किसी को प्रैंक करें तो फॉर्म भर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझसे सीख लेना, इससे तो नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। वीडियो के खत्म तो ये था अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की गई थी पूरी, लेकिन वो समझ गया था। मुझे लग रहा ना वो स्टार्टिंग में ही जो है समझ गए थे वो, क्योंकि इनकी आवाज तो सुनते ही है ना दिन रात, तो एक बार भाई है वो तो समझ ही जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीडियो और लंबा होना चाहिए था यार, बहुत मजा आ रहा था देख के। थोड़ा और लंबा होता वीडियो, मतलब मजा आना शुरू ही हुआ था वीडियो में मुझे, वीडियो खत्म हो गया। थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, बहुत इंटरेस्टिंग था। बट ऐसे और प्रैंक आते रहेंगे तो मैं तो देखती रहूंगी भाई, और मुझे अच्छे रहेंगे तो मैं रिएक्शन भी दूंगी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, और मुझे बहुत अच्छा लगा टोटल मिला के, फुल 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 इंजॉय। बाय गाइस।